नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को गलवाती पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस शिविर का उद्घाटन धनवार सीओ नरेश कुमार वर्मा, स्थानीय मुखिया मंजूर आलम, बीईओ किशोर कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में पेंशन, मनरेगा, अंचल आवास, बाल विकास परियोजना, आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, सामाजिक सुरक्षा, वैक्सीनेशन आदि विभाग के स्टॉल लगाए गए थे, जहां पदाधिकारियों ने लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मौके पर कई लाभुकों के बीच जॉब कार्ड, ग्रीन कार्ड आदि का वितरण किया गया। वही वैक्सीनेशन स्टॉल में कई लोगों ने कोविड का टीका भी लिया। वही इस शिविर में गलवाती पंचायत के सोनबाद गांव के लाभुक रामशंकर कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी संगीता देवी के साथ आंख से विकलांग अपनी 3 बच्चों के साथ पहुंचकर पदाधिकारियों से इंदिरा आवास और चापाकल की मांग की। कहा कि इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई थी लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इस बाबत वीडियो रामगोपाल पांडे ने बताया कि ऐसे लाभुकों को प्राथमिकता के आधार पर अम्बेडकर आवास के साथ वैसी सभी सरकारी लाभ मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। इस दौरान सीओ ने कहा कि इस शिविर में पेंशन, आवास, लगान रसीद, दाखिल खारिज, जमीन संबंधित, धान अधिप्राप्ति सहित आदि विभागों से संबंधित स्टॉलों में लाभुकों का आवेदन लिया जा रहा है। सभी स्टॉल में कर्मी काम कर रहे हैं और लाभुकों की जो भी समस्या है उसका समाधान करने का काम कर रहे हैं। सोनबाद से आए हैं, मेरा 3 बच्चा है, 3 बच्चों का आँख का विकलांग है। आज कैंप पे आए हैं इंदिरा आवास के लिए और पानी का व्यवस्था के लिए। सरकार आपके द्वार के तहत लाभुकों को पेंशन, राशन कार्ड, टीकाकरण इत्यादि का तुरंत लाभ मिल रहा है। अंचल की ओर से लगान रसीद निर्भर करना, धान अधिप्राप्ति के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के तुरंत कार्रवाई की जा रही है और दाखिल खारिज में समय लगता है, उसका आवेदन किया जा रहा है और सब निर्धारित समय के अंदर उसका डिस्पोजल कर दिया जाएगा। बाकी अन्य सभी विभाग के स्टॉल लगे हुए हैं, नियमानुसार सभी स्टॉल पे अधिकारी बैठे हुए हैं और नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी। उनके आवेदन को हम लोग देख लेते हैं और आवास से संबंधित अगर उनका सेक डेटा में आवास प्लस में नाम होगा तो हम लोग उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अगर उनका सेक डेटा में नाम नहीं भी होगा तो अम्बेडकर आवास उनको प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। साथ ही उनका उनके 2 बच्चे अगर पेंशन नहीं पाते हैं तो उनको पेंशन से अच्छा दिखते हैं। और है चापा नल से, तो अभी चापा नल के लिए सिटी फाइनेंस से हम लोग आवंटित नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आदेश आएगा उनको जितने भी सरकारी लाभ हैं वैसे निहायत गरीब व्यक्ति हैं उनको हम लोग जितनी भी सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध।